हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक सोलेनाइड वाल्व। हाइड्रोलिक सोलेनाइड वाल्व क्या होता है और ये इसका कहाँ यूज होता है, ये सभी हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं हाइड्रोलिक सोलेनाइड वाल्व होता क्या है। अ हाइड्रोलिक सोलेनाइड वाल्व इज ए सोलेनाइड कंट्रोल डायरेक्शनल वाल्व यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। द वाल्व ऑपरेट्स विथ अ सोलेनाइड विच इज एन इलेक्ट्रिक कॉयल ओंड अराउंड द फेरोमैग्नेटिक कोर एट इट्स सेंटर। तो सोलेनाइड वाल्व होता क्या है, देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए हमको ये सोलेनाइड वाल्व लगता है। सोलेनाइड वाल्व ये डायरेक्शन चेंज करता है। सोलेनाइड वाल्व बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। आज हम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए हमारे पास दो सोलेनाइड वाल्व है, ये एसी सोलेनाइड वाल्व है। देखिए इसका डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ये डायरेक्शन चेंज करता है और मेरे सिलेंडर को ऑपरेट करता है, किसी फंक्शन को ऑपरेट करता है। इसका डायरेक्शन हम यहाँ भी बनाया है। ये एसी है, इसका कॉयल एसी है, 220 पर काम करता है। और ये एक मेरे पास डीसी सोलेनाइड वाल्व है जिसका 24 वोल्ट है और ये डीसी कॉयल है, इसका भी डायरेक्शन सेम है। इसी दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन सब कुछ बता रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये पी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पी है, ए है, बी है। मीन्स पी है तो ये मेरा पी होता है, ठीक, ये पी हो गया। ए और बी मेरे कॉयल के साइड वाला हमेशा, ये होल हमेशा ए होता है और अपोजिट वाला बी होता है। और मेरा ये पी हो गया तो ये टी हो गया। P मीन्स होता है प्रेशर और T मीन्स होता है टैंक, और A और B मेरा किसी भी फंक्शन को यही काम करता है। तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्शन और सीखते हैं। देखिए ये मेरा P है, नॉर्मल कंडीशन में मेरा P जब भी प्रेशर जाएगा तो डायरेक्टली A में चला जाएगा, ठीक, और B में, B वाला जो भी ऑयल होगा वो टैंक में चला जाएगा। ये क्लियर है आप सभी को। और जब लोड होगा मीन्स जैसे ही कॉयल में सप्लाई जाएगा तो इसमें एक इसका नॉब होता है, नॉब होता है, देखिए इसके अंदर मूवमेंट आपको शायद पता चले। ये कॉयल है, ये देख पा रहे हैं आप मूवमेंट हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है मेरा। और जैसे ही कॉयल ऑन होगा ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब मेरा कॉयल में सप्लाई जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, ये मेरा पी है, पी से ऑयल बी में चला जाएगा और ए वाला जो भी ऑयल होगा वो टैंक में चला जाएगा। ये क्लियर है। हम आपको एक इसका सिस्टम भी बता देते हैं, एक सिलेंडर कैसे ऑपरेट होता है इस सोलेनाइड वाल्व से। मान लीजिए ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर है, यहाँ पर इसका ए पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है, यहाँ ऑयल जाता है, सिलेंडर को ओपन एंड क्लोज करता है। मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया, ठीक, ये मेरा ए पॉइंट हो गया मान लीजिए और ये मेरा बी पॉइंट हो गया और ये सोलेनाइड है। नॉर्मल कंडीशन में ये पी से ए में जाएगा, पी से जब ए में जाएगा तो ये मेरा ए पॉइंट है। इसका हम यहाँ बना देते एक दूसरा भी, मान लीजिए ये नॉर्मल कंडीशन हो गया मेरा, ये पी हो गया, ये ए हो गया और ये बी और ये टी हो गया। और ठीक उल्टा लोड में जब चला जाएगा तो पी वाला वैल्यू ऑयल होगा जो प्रेशर वाला, ये बी में चला जाता है और ए वाला जो होता है वो टैंक में चला जाता है। तो देखिए सोलेनाइड वाल्व कैसे काम करता है, आज हम यही सीखेंगे। देखिए
नॉर्मल कंडीशन में जब प्रेशर हम ऑन करेंगे, जब प्रेशर जाएगा तो ए में जाएगा, ए में जाएगा तो यहाँ से ए में जाएगा, ठीक है। ये ए में चला गया तो मेरा सिलेंडर क्या होगा, क्लोज होगा, और बी का यहाँ जितना भी ये होगा इसका यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ का जितना भी ऑयल होगा, ये साइड में जितना भी ऑयल भरा होगा वो मेरा ए से टैंक में चला जाएगा, मतलब मेरा सिलेंडर क्लोज डायरेक्ट क्लोज में हो जाएगा। और जैसे ही लोड में जाएगा तो पी का वैल्यू, प्रेशर अब मेरा किस में जा रहा है, बी में। जब बी में जाएगा तो बी में जब जाएगा तो यहाँ चला जाएगा और ऑयल मेरा यहाँ भरने लगेगा, तो ये सिलेंडर क्या होगा, ओपन होगा धीरे धीरे, इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। और बी ए का जो ये है लोड में, ए का वैल्यू मतलब ये ए का ऑयल जितना भी होगा वो टैंक में चला जाएगा। ये क्लियर है आप सभी को? अब देखिए हम आपको ऑयल डालकर भी कुछ डायरेक्शन बता देते हैं, और इसका मेन मोटिव मेरा यही था कि आप कैसे पता लगाएं कि ये सोलेनॉइड वाल्व सही है या खराब है। बेसिकली बहुत बार ऐसा भी होता है, ये फर्स्ट टाइम मेरे पास ये प्रॉब्लम आया है कि ये कभी कभी क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है, जो ये मूवमेंट कर रहा है ये ब्लॉक हो जाता है, कॉयल ब्लॉक हो जाता है, तो मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, अपना जो भी फंक्शन है काम कर रहा है वो बंद हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और लेकिन दोनों में क्या प्रॉब्लम है हम ये आपको बताएंगे। ऑयल डालते हैं हम इसमें, देखिए आप मेरा ये पी है, ये पी हो गया और ये भी पी है, देखिए इसमें यहाँ भी पी लिखा हुआ है, ठीक, मीन्स ये प्रेशर लाइन है, ठीक, और इसमें भी यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो ये प्रेशर लाइन होगा, दोनों का प्रेशर लाइन ये हो गया। हम पी में जब डालेंगे ऑयल तो किस में आना चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में है कॉयल ऑफ है, तो पी से जब ऑयल डालेंगे इसमें तो मेरा नॉर्मली किस में आ जाना चाहिए, ए में। आइए देखते हैं ए में आता है या नहीं, क्या पानी डालते हैं, देखते हैं ये ए में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये मेरा प्रेशर लाइन है और ये कॉयल के साइड में जो भी हम बोले थे कि ये ए पॉइंट है, तो पी प्रेशर लाइन नॉर्मल कंडीशन है, पी से ए में आ गया, ठीक। और इसमें देखते हैं कि इसमें किस में आ रहा है, ये देखिए इसमें कुछ अलग हो गया, इसमें पी में डाले तो बी बी में आ गया, बी पॉइंट में पानी आया मेरा। तो इसका मतलब मेरा मोटिव यही था आप सभी को समझाना कि हम ये सोलेनॉइड वाल्व कभी भी खराब हो जाता है तो कैसे पता लगाए। देखिए ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व खराब है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये पी से ए में आना चाहिए और अभी बी में आ गया है, तो ये क्या है, ये सोलेनॉइड वाल्व मेरा खराब हो चुका है, ठीक। इसमें हम लोग बहुत देर तक फंसे हुए थे, बाद में पता चला कि ये सोलेनॉइड वाल्व खराब है, तो बाकी मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, सोचे आप सबको शेयर कर दे ये वीडियो। और देखिए अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ और देख लीजिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व सही है ये वाला, और ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व खराब है, मीन्स डीसी वाला सोलेनॉइड वाल्व खराब है, एसी वाला सही है। आइए देखते हैं जब कॉयल ऑन होगा तो क्या होगा, ये पी है, ये मेरा पी है और ये ए है, जैसे ही कॉयल ऑन होगा तो ये बी में आ जाएगा, ठीक। देखिए ये दोनों मतलब अंदर चला जाएगा, देखिए चला गया अंदर, देखिए पूरा अंदर चला गया और बी में दिख रहा होगा हल्का, तो ये और भी डालेंगे तो पी में जब डालेंगे तो बी में चला जाएगा, ठीक। और ये सही है, ये अंदर चला, ये सोलेनॉइड वाल्व मेरा सही है। हम लोग चेक करना भी सीख लीजिए, और एक टाइप तरह से चेक करना सिखाएंगे आपको थोड़े देर में, अब बने रहिए। अब इसे देखते हैं, इसको ये कॉयल जब ऑन होगा तो क्या चेंजेस होता है। देखिए कॉयल ऑन हो रहा है, मीन्स प्रेस हो रहा है ये, फिर भी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, मीन्स ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आइए एक तरह से और हम चेक करके बताते हैं आपको सोलेनॉइड वाल्व इंडस्ट्री में कैसे चेक किया जाता है। देखिए ये मेरा पी लाइन है, फिर हम पी में
पानी डालते हैं। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये सोलेनॉइड वाल्व कभी खराब भी हो जाता है, जैसे ये सोलेनॉइड वाल्व खराब हो चुका है ऐसे भी हो जाता है, और कुछ सोलेनॉइड वाल्व होता है जो लीकेज होता है, इंटरनली लीकेज भी हो जाएगा तो मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत लीकेज होता है चलता है, लेकिन ज़्यादा लीकेज होने पर नहीं चलता है। देखिए हम कैसे इसे टेस्ट करते हैं ये लीकेज है या नहीं। पी है ये ए है। जब हम इसको बी में ये पाइप डाल दिए और इसको जैसे भी एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, मुँह से फूक रहे और इसे बंद कर देंगे, क्योंकि बी और ए कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसे हमें बंद करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ भी आया, मतलब इसमें कुछ भी मूवमेंट आया, मीन्स ये इंटरनली लीकेज है, अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं आया तो ये सही है। चेक करते हैं, प्रेस कर रहे हैं हम, फेंक रहा मीन्स ये लीकेज है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व भी कभी चलेगा, कहीं कहीं चल जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा फंक्शन मतलब ये होता है तो नहीं भी चलता है। तो आप इस वीडियो में सीख गए कैसे काम करता है ये सोलेनॉइड वाल्व, और एक सिलेंडर ये कैसे काम करता है वो सब भी सीखे। अगर इस सब से और भी कुछ जानकारी है तो आप हमें कमेंट करें, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं।